तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। लोक सेवा आयोग चयन परीक्षा में चयनित नायब तहसीलदारों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। चयनित युवाओं को मुख्यमंत्री द्वारा मिलेगा नियुक्ति पत्र। आज सुबह 11:30 बजे लोकभवन सभागार में होगा कार्यक्रम। लखनऊ से खबर नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। परीक्षा में चयनित नायब तहसीलदारों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। चयनित युवाओं को मुख्यमंत्री के द्वारा मिलेगा नियुक्ति पत्र। आज सुबह 11:30 बजे लोकभवन सभागार में होगा कार्यक्रम। नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा आयोग चयन परीक्षा में चयनित नायब तहसीलदारों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। चयनित युवाओं को मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। जी संदीप, नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र आज सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया जाएगा। 11:30 बजे का कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जो है आज नियुक्ति पत्र जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांटते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर के बाद जब 11:30 बजे लोकभवन में सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, वहां पहुंचने के बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सभी को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जो नायब तहसीलदार हैं उनको वहां पे बुलाया गया है, वो वहां पे आ करके नियुक्ति पत्र अपना लेंगे, क्योंकि 2019 की परीक्षा में वो लोग चयनित हुए थे और चयनित होने के बाद से उनको जो है नियुक्ति पत्र आज बांटा जाएगा। जी बिल्कुल संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोक सेवा आयोग चयन परीक्षा में चयनित नायब तहसीलदारों को आज चयनित युवाओं को मुख्यमंत्री के द्वारा मिलेगा नियुक्ति पत्र। आज सुबह 11:30 बजे लोकभवन सभागार में होगा कार्यक्रम, जिसमें तमाम नए नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने जानकारी दी, 2019 में चयनित तमाम नायब तहसीलदारों को आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सौंपा जाएगा। उसके लिए कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। और इसके बाद अगली खबर प्रयागराज।